नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे यंत्रों के बारे में। अक्सर लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यंत्रों का सहारा लेते हैं, यंत्र पहनते हैं या यंत्र रखकर पूजा भी करते हैं। आज आपको बताएंगे कि क्या वाकई में यंत्रों का कोई प्रभाव होता है या नहीं होता है, और क्या वाकई में यंत्रों के प्रयोग से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं या नहीं। चर्चा होगी आपके दिन भर के राशियों के हाल की, और ये समझेंगे कि जिनका जन्मदिन है आज, उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके तारे की, लेकिन बात सबसे पहले करेंगे आज के पंचांग की। आज की तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी, इसके उपरांत अष्टमी भी आज ही लगेगी। आज का नक्षत्र होगा शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो वक्त होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 तक। और जो सबसे शुभ समय होगा आज का, वो होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 तक। सबसे पहले जानते हैं कि यंत्रों का अर्थ दरअसल होता क्या है और यंत्रों से जुड़ी हुई खास बातें क्या है। यंत्र एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, और इसमें विशेष तरह की आकृति होती है, विशेष तरह के चिन्ह होते हैं, कभी कभी अंक होते हैं, नंबर्स होते हैं, और इनको किसी खास तरीके से सेट किया जाता है। जो यंत्र चिन्ह वाले होते हैं, रेखाओं वाले होते हैं, जिसमें बिंदु होते हैं, चित्र होते हैं, वो बड़े शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि चित्रों के साथ जब बिंदु का, रेखाओं का कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है और यंत्रों का निर्माण किया जाता है, तो यंत्र बड़े ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, आकृति और चित्र वाले यंत्र का निर्माण भी बहुत कठिन है और इनका प्रयोग भी बहुत कठिन होता है। जो अंक वाले यंत्र होते हैं, जिनमें अमूमन 9 अंक लिखे होते हैं, 9 खाने होते हैं, ये यंत्र सामान्य शक्तिशाली होते हैं। इनका निर्माण करना और इनका प्रयोग करना टेक्निकली आसान भी होता है और सरल भी होता है। हर व्यक्ति के लिए वास्तविकता में अलग अलग यंत्र होते हैं। एक ही यंत्र हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि यंत्र बड़े ही ताकतवर होते हैं। लेकिन मैं बता दूं, यंत्रों का प्रयोग एक तो करना नहीं चाहिए, और अगर आप करते हैं तो अत्यंत विशेष दशाओं में करेंगे, अत्यंत सावधानी से करेंगे, अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। आखिर यंत्र बनते कैसे हैं और कैसे ये काम करते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में थोड़ी दिक्कतें अभी फिलहाल बनी हुई हैं, काम का दबाव भी बढ़ रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि फाइनेंशियली आप ठीक हैं, आर्थिक स्थिति आपकी लगातार मजबूत बनी हुई है। देखिए, सलाह ये है कि थोड़ा सा समय अपनी संतान को दीजिए, और एक साथ बहुत सारे काम अगर मत करें तो चीजें नहीं बिगड़ेंगी, चीजें खराब नहीं होंगी। वृष राशि, कारोबार में लाभ के योग दिखाई देते हैं, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, और ये भी हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो जाए। क्या सलाह है? देखिए, धन का इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करिए, ऐसा ना हो कि कहीं पर ऐसी जगह पैसा लगा दें जहां पैसा डूब जाए। मिथुन राशि, आपके करियर में बदलाव का समय चल रहा है, चेंज हो सकता है, और इस समय आगे बढ़कर निर्णय लेना ही बढ़िया होगा। परिवारजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, परिवार का माहौल बहुत अच्छा है, दिन भी बहुत अच्छा है। आज की सलाह ये है कि चीजों को टालिए नहीं, जो निर्णय लेना है जितना जल्दी लेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि आखिर यंत्र कैसे काम करते हैं। शब्दों को और मंत्रों को जब आप आकृति में ढाल देते हैं, जब आप चित्र में शब्द और मंत्र भर देते हैं, तो ये यंत्र बन जाते हैं। ये जो आकृतियां होती हैं, चित्र होते हैं, ये विशेष तरह के होते हैं और इन्हें विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं विशेष नक्षत्रों में? ताकि जो आकाश मंडल की वातावरण की ऊर्जा है उसको वो इकट्ठा कर सकें, उसको वो सोख सकें। जब आकृति बन जाती है तब इसमें शब्द लिखे जाते हैं, उन शब्दों को जगाया जाता है, जागृत किया जाता है, या यूं कह लें कि उन शब्दों को चला दिया जाता है, एक्टिव कर दिया जाता है। इसके बाद विशेष नक्षत्र में इसको प्रयोग करना शुरू करते हैं। जब एक सही तरीके का यंत्र बन जाता है तो ये वातावरण से और आकाश मंडल से ऊर्जा खींचकर प्रयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है, जिससे उस व्यक्ति को इसका लाभ महसूस होता है।
यंत्रों पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, धन की दशा बेहतर है आपकी, कुछ नए कार्य करेंगे, देर शाम तक शुभ सूचना भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज की सलाह ये है कि चीजें बेहतर हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखिए, खान पान में लापरवाही ना करिए। सिंह राशि, धन संपत्ति को लेकर थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं, आपको चोट चपेट ना लगे इसका ध्यान रखिए, और परिवार की चिंताओं को लेकर कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा है, चिंता बढ़ सकती है। आज की सलाह ये है कि अगर ऐसी कोई मुश्किल दिखाई देती है तो घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेंगे तो मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। कन्या राशि, आज धन लाभ भी होगा और परिवार में मंगल कार्य के योग भी बनेंगे, किसी लाभदायक यात्रा की संभावना भी बनती है और ये यात्रा आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। आज की सलाह ये है कि चीजें इंप्रूव कर रही हैं, लेकिन रिश्तों को संभालिए और धन को फिजूल खर्ची से बचाइए। यंत्रों के लाभ और हानियां क्या हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। मोहित ने हमें मेल लिखा है, जम्मू से लिखते हैं। 17 सितंबर 1975 का जन्म है, सुबह के 7 बजे का जन्म है, जन्म स्थान है जम्मू। मोहित लिख रहे हैं कि फिलहाल नौकरी छोड़कर व्यवसाय में आना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं। तकरीबन उन्होंने प्लानिंग भी कर ली है क्या व्यवसाय करना सही होगा, और अगर व्यवसाय करना सही नहीं है तो नौकरी ही करनी चाहिए, लेकिन अर्निंग कैसे बढ़े, फाइनेंशियली फ़ायदा कैसे हो, इसके बारे में बताएं। मोहित, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो व्यवसाय का प्लैनेट है वो बेहद मजबूत है, इसीलिए ज्योतिष ये कहता है कि यकीनन आने वाले समय में आप व्यवसाय करेंगे, और ज्योतिष के हिसाब से 15 अगस्त के बाद व्यवसाय करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 15 अगस्त के बाद बृहस्पति कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे और वहां से लाभ होने की संभावना बनेगी। तो खाने पीने की चीज़ों का काम, लकड़ी का काम, ड्राई फ्रूट्स, मेवे का काम, या कहीं ना कहीं जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण का काम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 15 अगस्त के बाद आप ऐसा कर सकते हैं, नौकरी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन व्यवसाय आपका सेट हो जाए, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएं, उसके लिए दो उपाय करेंगे। एक पन्ना बनवा के पहनेंगे, 4-5 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की सवेरे, और दूसरा सुबह शाम दोनों समय भगवान गणेश की उपासना करें, जैसे भी संभव हो। ऐसा करने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, बल्कि जो कारोबार आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें भी लाभ जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि यंत्रों के लाभ क्या हैं और यंत्रों की हानियां क्या हैं। कोई भी चीज केवल फायदा नहीं पहुंचा सकती, उसके नुकसान भी तो हो सकते हैं ना। आपको बता दूं कि यंत्र बहुत तेज गति से काम करते हैं, बड़े स्पीड में चलते हैं, इसीलिए यंत्र पहनने से लाभ और हानि दोनों ही बहुत तेजी से होती है। अगर सही तरह से बना हुआ यंत्र है तो ये ग्रहों की ऊर्जा को अनुकूल कर देगा, ग्रहों को आपके लायक बना देगा, और अगर गलत तरीके से बना हुआ यंत्र है तो ये जीवन में आफत ले आएगा, जीवन में मुश्किलें बढ़ा देगा। यंत्रों का निर्माण कैसे होगा, उनका प्रयोग कैसे होगा, ये मामला बड़ा गोपनीय है, सिक्योरिटी है, हर आदमी नहीं जानता, इसीलिए आमतौर पर सही यंत्र नहीं मिल पाता। जहां तक हो सके जिन यंत्रों में चित्र होते हैं, जैसे श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, जिसमें चित्र बने हैं, डायग्राम है, इनके प्रयोग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक भी बिंदु अगर गलत बन गया तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। जहां तक संभव हो अंक वाले यंत्र का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें गड़बड़ी की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है। तुला राशि, नए रिश्ते बनते हुए दिखाई देते हैं, करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तमाम चिंताएं आपकी कम होंगी। देखिए, ये जो दौर चल रहा है ना, सलाह यही है कि संतान को समय दें और थोड़ी मेहनत करते रहें, मुश्किल दौर बीत रहा है, आप बाहर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से आपको बचना है आज, मुकदमों में मुश्किलें ना आ जाए इसका ध्यान रखें, हालांकि चीजों को मैनेज करने में आज आपको काफी पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। आज की सलाह ये है कि जीवन में चीजें एकदम से बुरी ना हो जाएं, एकदम से आपके हाथ से ना निकल जाएं, इसके लिए जीवन को प्लान करके चलेंगे तो बेहतर होगा। धनु राशि, आपके विवाह की तमाम समस्याएं हल होंगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ यात्रा के लिए भी तैयार रहिए, यात्रा पर आप जाएंगे। आज की सलाह ये है कि अपने परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, परिवारजनों की सेहत में लापरवाही मत करिए। तो आपने ये तो समझ लिया कि यंत्रों के लाभ और हानियां क्या हैं। अब ये जानिए कि यंत्र का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या सावधानियां हैं।
यंत्रों का प्रयोग खुद के दिमाग से मत करिए, बिना किसी विद्वान के परामर्श के यंत्र का इस्तेमाल कभी मत करिए, और आकृति वाले जो यंत्र हैं इनका प्रयोग कम से कम करिए। एक बिंदु गलत हो गया तो सारे यंत्र के परिणाम भयंकर हो जाएंगे। जहां तक हो इनसे बचिए। अंक वाले जो यंत्र होते हैं, जिसमें 9 खाने हैं, उसमें 9 अंक लिखे होते हैं, इनका प्रयोग करना फिर भी बेहतर होता है। और रेडीमेड यंत्रों के बजाय हाथ से बनाए हुए यंत्रों का इस्तेमाल करिए। रेडीमेड यंत्रों के ऊपर नक्षत्र में किसमें बनेंगे, कैसे लिखे जाएंगे, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बेहतर यह है कि हाथ से बनाए हुए यंत्रों का प्रयोग करें। यंत्र को अगर आपको पहनना है तो गले में धारण करें या अपने काम के स्थान पर रखें। कमर के नीचे यंत्र बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। यंत्र के साथ लोग ध्यान करते हैं, लोग पूजा साधना भी करते हैं, लेकिन जब तक किसी महापुरुष का आशीर्वाद ना हो या जब तक कोई विशेष सलाह ना हो, तब तक यंत्र के साथ साधना ना करें। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज का राशिफल। मकर राशि, परिवार में तनाव कम होता हुआ दिख रहा है, ऑफिस में सहयोग और उन्नति दिखाई दे रही है, लेकिन शाम को थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। चीजें बेहतर हैं और आज की सलाह यह है कि छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, खुश रहें। कुंभ राशि, आराम की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। घर में विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, बेवजह कलेश हो सकता है, ध्यान रखिएगा। शाम तक कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा और ये समाचार धन से जुड़ा हुआ रहेगा। सलाह यह है कि शारीरिक श्रम करिए, थोड़ा दौड़िए भागिए और थोड़ा समय मित्रों के साथ बिताइए, ताकि मन आपका बेहतर हो जाए। मीन राशि, करियर में सुधार और लाभ के योग बनते हैं, रिश्तों की समस्याएं हल होंगी, आपकी व्यस्तता लगातार बढ़ी रहेगी। आज की सलाह यह है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन व्यस्तता के चक्कर में सेहत को नजरअंदाज न करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। तारे ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की थी यंत्रों की महिमा की और ये समझा था कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में विवाह और संतान के तमाम मामले आपके हल होंगे। आपके पारिवारिक जीवन की, पारिवारिक विवादों की तमाम समस्याएं समाप्त होंगी। अगर विदेश यात्रा की कोई इच्छा है तो यकीनन इस वर्ष में पूरी हो जाएगी और पूरे वर्ष करियर की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक ठाक बनी रहेगी, यानी आने वाला वर्ष आपका बहुत अच्छा है। वर्ष की सलाह ये है कि पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का यानी नमः शिवाय का जप करना बड़ा अच्छा होगा, और कितना भी मुखी क्यों ना हो, एक रुद्राक्ष की माला या केवल एक रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिएगा। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।